हेलो, मैं नरेंद्र कुमार होती NM न्यूज़ से। प्रधानों के इलेक्शन हुए और प्रधान लोग जीते, लेकिन कुछ लोगों को जीत उनको समझ में नहीं आई। जो हारे उन्होंने गन पकड़ ली और जीतने वालों पर चलाना चालू कर दिया। ऐसे कुछ दर्द हमने देखे हैं। जो प्रधान नहीं जीते वो घर घर में अपनी दबंगई कर रहे हैं और जो चाहे जीते हैं उनको दिक्कत पहुँचा रहे। यही अलीगंज चौकी, आपको बता दूँ, अलीगंज चौकी से बगौड़ा का एक केस आया है। घर में जब घुसे कम से कम 10 या 15 लोग, वो भी कम से कम जिंदा कारतूस 30-40 जेब में थी और 20-25 लोग इनके घर में घुसे। मैम, आप प्रधान बनी? जी सर। ऐसा क्या कारण रहा आपको? कारण कुछ, वे लोग हमेशा धमकाते हैं और मारने की धमकी देते हैं। कहते हैं जहां मिल जाओगी तहां मार देंगे। हमारे पति को भी धमकाते हैं और सब लोग इकट्ठा ही घर पे घुसा, आधा पत्थर चलाने लगे और फायर। ये कब की घटना है? ये कल 8:30 की रात की घटना, रात की है। क्या बोलो कि कैसे आए थे? पहली फेर हमारे कान के पीछे से निकल गई। अच्छा, आपके फायर। इनके जो प्रधान, इन्होंने जो इलेक्शन लड़ा है बगौड़ा से, इनका ये कहना है कि हमारे यहाँ जब आए तो इनके कान से फायर निकल गए। और सर अधे भी चला रहे थे, अधे के चला रहे। अब इनसे मैं पति से मिलता हूँ, इनकी पूरी बात बता। हाँ जी, क्या पूरी समस्या थी? सर हम तो घर पे नहीं उस टाइम थे, ये लोग जान रहे थे। पूरी साजिश रची गई थी। एक मुकदमा 10 दिन पहले भी कोटेदार ने दूसरे को मारा था, मोरनिया वाली महिला को, तो वो महिला मुकदमा लिखा दिया उसी रंजिश को लेकर, चुनाव की रंजिश लेकर। हाँ, चुनाव की रंजिश। तो उन्होंने, जब मैं घर पे नहीं था तब प्रेजेंट हालत में हमारी मैसेज को अकेली देख करके उन्होंने पहली फायरिंग कंधे के पास से निकल कर गई और मार देने के पूरे विचार और मतलब गलत फहमियाँ सब पूरी वहाँ पर पूरी साजिश रची जा चुकी थी। उसमें गुरमेल और विनोद और सुषपाल और बीरू की जगह उनका उर्फ बीरू उर्फ क्या नाम है, उसका नाम भूल रहे हैं, कुछ बीरेंद्र यादव और मोहित सुधीर, ये सब अचानक 4 लोगों के पास तमंचे थे जो अचानक इमरजेंसी में कम से कम 20 फायरें की, जो कि प्रेजेंट हालत में वहाँ मैंने दरोगा जी को फ़ोन किया। दरोगा जी कह रहे कि मैं अभी भेज रहा हूँ। आधा घंटा 1 घंटा तक फायरिंगें होती रहीं अलीगंज चौकी से। अलीगंज यादव जी 15-20 मिनट नहीं आए, बता रहे कि हम फंसे हैं बाहर, मगर मैं सब पुलिस भेज रहा हूँ। जब वहाँ से सिपाही एक पहुँचा, 2 संजय और मोरिया, तो हमको 15 मिनट तक हमारी मिसेज से गुमराह रहे, करते रहे। मैंने कहा वो जा रहे भाग रहे हैं फायरिंग करके, उन पे नहीं ध्यान देते हुए हम लोगों को परेशान किया 10 मिनट के लिए। उसके उतनी देर में वो सब भाग गए, उसके पीछे से सब पुलिस आई, तब वो सब भागा दौड़ी मचाया। फिर हमारे इंस्पेक्टर साहब आए, फिर उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की, मगर दिनेश यादव जी उसमें साजिश में शामिल थे, अवधेश यादव जी। जी, यहाँ पर बात यह है कि गोलियाँ चलती रहीं बगौड़ा गांव के अंदर अलीगंज चौकी में, धड़ाधड़ 20-25 फायरें हुई। चौकी को इनको फ़ोन के द्वारा बुलाया गया कि यहाँ पे कुछ दबंग गोली चला रहे हैं, अजर्रा चला रहे हैं, किसी की भी लग जाए उनको कोई मतलब नहीं। लेकिन वहाँ से अवधेश यादव जी जो वहाँ से हैं अलीगंज चौकी से, वहाँ से ना, और कुछ बेचारे अच्छे लोग हैं इनके साथ में जुड़े हैं प्रधान जी के, और खुद वो एक प्रधान हैं वो भी इनके साथ में। क्या पूरी स्टोरी आप जानते हैं? नहीं, हम जानते नहीं, हम दूसरी पंचायत के हैं ना पास के। कुछ आपको पता चला था? नहीं पता हमें, सवेरे इन्होंने फोन किया कि ऐसा वारदात हुआ, तो हम कहे भाई थाने चलो, चल के वहाँ कहते हैं, शिकायत करते हैं इस बात की। ये प्रधान के साथ के काफ़ी लोग खड़े हुए हैं आप जी। हमें जब जानकारी हुई तो हमने अवधेश यादव को फ़ोन लगाया। जी जी, आपने किया था? हाँ, इन्होंने हमने किया, तो उन्होंने बताया ठीक है अभी फोर्स भेज रहे हैं। उसके आधा 1 घंटा लगभग बाद वहाँ फोर्स पहुँचा है, आधा घंटा बाद, तब तक वहाँ बहुत बड़ी वारदातें घट चुकी थी। वारदात हो गई, आधा 1 घंटे के बाद फोर्स लेके गए और चौकी इंचार्ज वहाँ। आज हमें 5 दिन हमारे ग्राम कुसमोरी में ऐसी एक घटना घटी, 5 दिन हो गए हैं प्रधान पे हमला हुआ हमारे ग्राम कुसमोरी, ग्राम रोशनगर कुसमोरी में 5 दिन हमला हुए हो गए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई चौकी इंचार्ज पहले। आप क्या बताना चाहते हैं? वही कि दरोगा जी की मिली भगत है पूरी, दरोगा जी ही कांड का, वो जातिवाद कर रहे हैं, वो लोग यादव हैं दरोगा जी और सब लोग मिलके कांड कराना चाह रहे हैं। इनको दरोगा जी को सुबह सूचना दी जा चुकी थी कि ऐसा को होगा, लेकिन दरोगा जी दोपहर में भी हम लोगों ने फ़ोन करके बताया कि साहब ऐसा होने वाला है, लेकिन दरोगा जी कुछ नहीं किए थे। जी, आप देख सकते हैं कि जैसे इनका कहना है कि चौकी इंचार्ज अलीगंज के कतई धीमे पड़ गए और उनको खुद पता था। इन्होंने बताया कि भैया मेरे, मैं जीता हूँ और मुझे दिक्कत है। हमने सुबह दरोगा जी से सामने बैठे थे तो मैंने बोला था
कि दरोगा जी मेरे गांव में साजिश रची जा रही है, प्रधान को मार देने की कोशिश की जा रही है। तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे, सिपाही भेज देंगे। सिपाही नहीं भेजे, आपको पहले से पता था? हमें पहले से पता था कि वो तैयारी मचा रहे हैं, क्योंकि वो तीन बार कर चुके हैं। हाँ, तमंचा काके के यहाँ से आए, गुरमेल के पास आए, वो सब साजिश रच चुकी थी कि मतलब जो हम हट जाएं घर से, बाहर चले जाएं कि मोहरनिया या कहीं भी निकल जाएं गांव के बाहर। उतने में मौका पाते हुए हमारी पत्नी जी को प्रधान बनी हैं, उनको मार देने की साजिश पूरी रच चुके थे। क्या पहले कोई रंजिश थी? पहले कोई विशेष रंजिश क्या, दो बार तीन बार गाली देते थे, और प्लस हमारी लोगों की लड़कियां बिटिया नज़र हर अंदाज किया करते थे। जब कोई अटैक करता था तब वो मार बैठे थे। इन लोगों को इतना दबंग था सीमा से ज़्यादा, आज भी सबसे ज़्यादा दबंग है। कल ये मतलब ऐसा हुआ, और आज मौके पर सुबह भी लोग कह रहे हैं कि अभी मारपीट सही तरीके से नहीं हुई है, मगर जब तक मैं मार नहीं लूंगा प्रधान को, तले तक पिंड नहीं छोड़ूंगा, ये उनका अब भी कहना है। आपकी कार्रवाई यहाँ पे हुई था? हमारी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम चाह रहे हैं कि जो भी कार्रवाई, सात हमारे घर के घायल व्यक्ति हैं, जो कि उनका मेडिकल हो चुका है, उनके हर जगह चोटें प्राप्त हैं, और हमारे प्रधान जी के जो कि पेट के अंदर अंदरूनी चोट काफ़ी आई हैं, जो कि ये गिर गई उस भीड़ भाड़ में, बचाने के चक्कर में गिर पड़ी, जो नीचे दब कुचल गई, अधिक से अधिक जान बहुत मुश्किल से बचा पाई। दूसरी चीज़, दो व्यक्ति पकड़ में आए, वो भी संजय की गलती की वजह से। पूरी संजय मिली भगत थी, पूरा स्टाफ मिला हुआ था, कि ज़्यादातर दरोगा जी के संज्ञान में पूरी बातें सबे थीं। हम हर बात चेताते रहते फ़ोन पर कि ऐसी घटना होने वाली है सर, आइडिया लग रही है सर, आप चाहे दो सिपाही भेज दो, एक बार जाँच कर लें क्या है क्या नहीं। तो हाँ भेज देंगे, यही कहते रहे। अब मौके पर कभी हमारे मतलब इमरजेंसी में कोई पुलिस ना खड़ी भाई। एक बार ऐसा और हुआ, तब वो कोई पुलिस नहीं भेजा, अवधेश यादव ने ठीक, मैंने संजय मैं संजय टाइम पर पहुँचे, 5-10 मिनट लेट पहुँचे, उसके बाद पहुँचे, तो तब तक हम लोगों को गुमराह करते रहे, और एक तरफ फायरिंग चल रही उस तरफ नहीं ध्यान देकर उसको पकड़े जो उसको पकड़ सकें। देखिए, जहाँ पे प्रधानियों के इलेक्शन निपटे, लेकिन जो प्रधान हारे, फिर उन्होंने जीतने वाले पर लोगों पर दबंगाई करना चालू कर, जैसे जय आया भगोड़ा से और अलीगंज चौकी का मामला था जो जीत गए, और यादव जी जो हैं वहाँ के दबंग लोग, वो इनके घर में फायर करते रहे 8 बजे से लगा के 8:30 बजे, दबंगई पूरी तरह से करते, लेकिन इनको नानक चौकी को सूचित किया गया अवधेश यादव को, लेकिन अवधेश यादव मौके पर नहीं पहुँचे। अलीगंज चौकी का जो मामला है भगोड़ा से, लेकिन वहाँ पर अलीगंज के चौकी के अवधेश यादव वो उपस्थित नहीं रहे। मैं नरेंद्र कुमार, कैमरामैन सुनो मिश्रा के साथ, जय हिंद।